मोदी जी ने क्या क्या किया वो तो देश के लिए किया होगा, खेती के लिए किया होगा, किसान के लिए किया होगा, व्यापारी के लिए किया होगा और मोदी जी ने वर्ग के लिए किया होगा, नौजवानों के लिए, मेरे लिए जो मोदी जी ने किया, इसलिए मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा। तो जिस आदमी ने, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि हरियाणा में आपका जब से ये देश बना है, आजाद हुआ है, उस दिन से लेकर 75-76 साल में हरियाणा में 5 केंद्र में बड़े मंत्री बने हैं और वो 400 ऐसे हैं जो चीफ मिनिस्टर रह गए, राव वीरेंद्र सिंह जी, चौधरी ज्योतिलाल जी, चौधरी देवीलाल जी, चौधरी भद्रलाल जी। लेकिन मोदी जी ने, मैं अकेला एक ऐसा आदमी हूं हरियाणा से, मंत्री तो और भी बहुत बड़े छोटे बड़े, लेकिन वीरेंद्र सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीधा कैबिनेट मंत्री बनाया जो कि मुख्यमंत्री जी। तो इसलिए उनके काम करने की शैली वो जरूर आपको समझ दीजिए। मैं नया नया मंत्री बना, नरेंद्र मोदी जी, आप कनाडा जाओगे, मैं बोला हाँ, वहां मेरी बेटी रहती है, वहां वो आपसे मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने वीरेंद्र सिंह की बेटी से और से क्या, लेकिन अपनी गाड़ी देख के जाने के लिए नजीर के बच्चे, मेरी बेटी और मेरा दामाद, सबको बुला के उनको चाय पिलाई, उनका सम्मान किया, प्रधानमंत्री ने ये बात। और कई बार ऐसी भी है जिनके बारे में डॉक्टर साहब ने कहा कि सड़कें बड़ी अच्छी, मजा आता है, लोग जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि सड़क तो बड़ी अच्छी है, लोग भी जा रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ में भी ऐसी व्यवस्था कर दो कि चंडीगढ़ जाके खुश हो गया हमें न्यू दिल्ली अच्छी शहर से तो भी फैला करना, तो वहां से कुछ बनेगा नहीं। अगर कहते क्यों भड़क पर जा रहे थे, तो इसलिए आपसे मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको इस सरकार को और इस संगठन को, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करना है, और मजबूत नहीं, लेकिन ये मजबूत रहे आपकी पूछ ना हो ना, ये इनको कमजोर करना है और वोटर को मजबूत करना है, तो भारतीय जनता पार्टी को 60 एमएलए के बराबर बढ़े बढ़ावे, तो फिर ये बोलना छोड़ कर 38 दूसरे ने भी बढ़ा दिया ताकि उनका दबाव गिरे और हरियाणा का जो वोटर है जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, चाहे दिल्ली में बैठी सरकार हो, चाहे हरियाणा में बैठी सरकार हो, तो यह जो बोध है जो कपिल को करेंगे 47-47-48। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।